दोस्तों एस्टेरॉयड जो कि रॉक मेटल और कुछ अदर एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं और ये प्लैनेट की तरह ही सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनका जो साइज होता है वो प्लैनेट से काफ़ी कम होता है। और रिसेंटली एक एस्टेरॉयड जिसे हम एस्टेरॉयड बुर्ज खलीफा के नाम से जानते हैं, जिसका साइज लगभग 820 मीटर है और ये लगभग 90,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। तथा इससे क्या खतरा हो सकता है, क्या पृथ्वी को नष्ट कर सकता है या नहीं, इन सभी बातों को इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे और इसको एस्टेरॉयड बुर्ज खलीफा आखिर क्यों कहते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं विनय कुमार, आप सबका अपने चैनल ट्रिलियन चॉइस स्टोरी द बेस्ट वे टू लर्न स्पेस साइंस पर वेलकम करता हूँ। तो देखिए, पहली बार इसको 9 दिसंबर 2009 को खोजा गया था और उस समय इसका नाम 4389082009XO रखा गया था। और एस्टेरॉयड की बहुत सारी कैटेगरी होती हैं और उसी में ये जो एस्टेरॉयड है वो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट में आएगा। यानी कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जिनकी सन से डिस्टेंस लगभग 1.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.49×10⁸ किलोमीटर के इक्वल होती है। तथा ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से लगभग 43 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस से गुजरेगा और इसे हम एस्टेरॉयड बुर्ज खलीफा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो साइज है वो बुर्ज खलीफा के साइज जितना ही है, जिसका साइज एक्चुअल में 829 मीटर है और इस एस्टेरॉयड का साइज भी 820 मीटर है। तथा ये एस्टेरॉयड 29 नवंबर दिन रविवार को पृथ्वी के करीब से गुजरेगा और ये भारतीय समयानुसार रात 10 बजे पृथ्वी के पास से गुजरने की उम्मीद भी है इसकी। तथा नासा ने बताया है कि इस एस्टेरॉयड से पृथ्वी को कोई भी खतरा नहीं होगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। तथा आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस टॉपिक से कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। और अभी भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।